मौर्य साम्राज्य भाग दो। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई थी और किस तरह से चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बिठाया, ये हम पिछले भाग में जान चुके हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य की कहानी मौर्य साम्राज्य जितनी ही विशाल है। अभी तक आप केवल चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, लेकिन इस भाग में आप जानेंगे चंद्रगुप्त के पराक्रमी पुत्र बिंदुसार के बारे में, जिसे यूनानी इतिहासकार अमित्रघात कहते हैं। ये शब्द अक्सर बड़े बड़े राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके साथ यदि अमित्रता रखी जाए, यानी कि दुश्मनी रखी जाए, तो उसका नाश होना निश्चित है। इसके साथ ही इस भाग में हम जानेंगे बिंदुसार के महान पुत्र सम्राट अशोक के बारे में, जिनके द्वारा बनाए गए चक्र का निशान आज तक भारत के झंडे में मौजूद है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये भी जानेंगे कि कैसे इतनी विशाल साम्राज्य और इतने पराक्रमी सम्राटों के वंश और राज्य का पतन हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें इसीलिए जानना जरूरी है ताकि हम वही गलतियां दोबारा करने से खुद को बचा पाए। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया था। वो एक मामूली कबीले के सरदार के बेटे से लेकर एक विशाल साम्राज्य के सम्राट तक बन गए। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने अपने जीवन के अंत में संलेखन प्रक्रिया से अपना जीवन त्याग दिया था। पिछले भाग में इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। इस प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति तब तक कुछ नहीं खाता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। चंद्रगुप्त अपने अंत तक जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे और उनके पुत्र बिंदुसार ने भी यही किया। चंद्रगुप्त के बाद की कहानी शुरू होती है बिंदुसार से। बिंदुसार, जिन्हें उनकी प्रजा और यूनानी इतिहासकार अमित्रघात कहते हैं। जो भी चंद्रगुप्त का मित्र नहीं होता था, ऐसा माना जाता था कि उसका अंत निश्चित है। बिंदुसार के लिए एक उपनाम और प्रसिद्ध है, जिसमें उन्हें लकी सन एंड फादर कंसीडर किया जाता है। वो महान सम्राट चंद्रगुप्त के बेटे होने के साथ साथ महान सम्राट अशोक के पिता भी थे। लेकिन बिंदुसार का जीवन चंद्रगुप्त और अशोक का बेटा और पिता होने से बहुत अलग है। बिंदुसार ने लगभग 26 सालों तक मगध के साम्राज्य पर राज किया। बिंदुसार के शासनकाल को याद किया जाता है उनके नगर प्रशासन के कारण। अपने शासनकाल में 6 समितियों का निर्माण किया था। ये 6 समितियां प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और षष्ठ समिति के रूप में जानी जाती है। संस्कृत के इन शब्दों का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर 6 तक काउंट। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रभावी होने में इन समितियों ने बहुत बड़ा भाग निभाया। चंद्रगुप्त ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तब प्रजा के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके शासनकाल में व्यवस्था ठीक तरह से बनी हुई थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के साथ भी ऐसा ही होता। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जितना विशाल साम्राज्य कभी भी टुकड़ों में बांटा जा सकता था। अगर व्यवस्था सही न हो, तब किसी भी तरह के दुश्मन की जरूरत नहीं। प्रजा खुद ही बगावत पर उतर आती है और इस बात का डर बिंदुसार को भी था, और इन समितियों का निर्माण करके उन्होंने अपने डर को खत्म कर दिया था। इस डर को खत्म करने में और समितियों का निर्माण करने में उनका साथ दिया था दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने। ये अलग अलग समितियां अलग अलग काम करती थी। इन समितियों का प्रभाव आज की दुनिया में भी देखा जा सकता है। कैसे, ये जानने के लिए पहले समझते हैं मौर्य साम्राज्य के इन समितियों को। पहली समिति का काम था उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना, यानी कि ये देखना कि उत्पादन कितना किया जा रहा है और क्या उत्पादित किया जा रहा है और किस तरह से उत्पादित किया जा रहा है। लीगल और इलीगल तरीकों से भी अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्हें देखना और उन पर नजर रखना। इस समिति ने मौर्य साम्राज्य में प्रोडक्शन वैल्यूज को बढ़ा दिया। दूसरी समिति का काम था विदेशियों की देखरेख करना। पहले के समय में बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग देशों में जाकर वहां के बारे में लिखते थे। दूसरी समिति का काम था ऐसे लोगों की मदद करना और उन्हें सुरक्षित करना। फॉरेन मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है, हालांकि वो आगे चलकर और समृद्ध होता गया। तीसरी समिति का काम था जनगणना। मौर्य सम्राट ये जानते थे कि अगर जनगणना की जाएगी तभी प्लानिंग और स्कीम सही तरह से बन पाएंगे। चौथी समिति का काम था व्यापार को सुगम, यानी कि सहज बनाना।
पांचवी समिति का काम होता था जो भी कुछ पैदा किया जा रहा है उसे ठीक तरह से बेचा जा सके, और छठी समिति का काम ये होता था कि ठीक तरह से पूरे राज्य से कर वसूल किया जाए। समितियों वाली इस योजना ने मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार को बहुत फायदा पहुंचाया। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने इन समितियों की मदद से लगभग 26 सालों तक मगध के सिंहासन पर राज किया था। इस दौरान बिंदुसार ने मगध के साम्राज्य को और फैलाया और इस दौरान होने वाले लगभग कई सारे युद्धों पर जीत हासिल करके उन्होंने अपना नाम इतिहास में लिखा लिया और अंत में शासन की बागडोर अपने बेटे अशोक के हाथ में दे दी। दोस्तों, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद अब जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोक, जिन्हें आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। सम्राट अशोक, महान सम्राट चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक का अंत का जीवन जितना ज्यादा शांति से भरा हुआ था, शुरुआती जीवन उतना ही खून में रंगा हुआ था। अशोक के सम्राट बनने की कहानी ही खून से शुरू होती है। अशोक के बारे में इतिहास के पन्नों में ये लिखा गया है कि अशोक जब युवा थे और सम्राट नहीं थे, तब उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 91 भाइयों का वध कर दिया था। ये सब भाई उनके सम्राट बनने की प्रतियोगिता में थे और ऐसा करना जरूरी था। मौर्य वंश में काबिलियत की परंपरा को माना जाता था, यानी कि जो काबिल है वही राजा बनेगा, ना कि राजा का बड़ा बेटा। अशोक के सम्राट अशोक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग तब महानदी और गोदावरी के बीच के हिस्से को कहा जाता था, जिस जगह पर आज छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। कलिंगा में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्से आते थे। जब अशोक सम्राट बने तो कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था और ना ही वो उनकी अधीनता को स्वीकारता था। अशोक ने सम्राट बनते ही कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का ये युद्ध लगभग 2 सालों तक चला और इस दौरान लगभग 50 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। इसमें दोनों तरफ के सैनिक शामिल थे। अशोक इस युद्ध को तो जीत गया, लेकिन इस जीत का जश्न मनाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके सर पर उसके अपने लाखों सैनिकों को मारने का पाप लग चुका था। अशोक का मन युद्ध और खून खराबे से भर गया। अशोक ने गौतम बुद्ध की राह पकड़ी और वो शांति के मार्ग पर चलने लगा। उसने ठान लिया कि वो अब हिंसा और मोह को त्याग देगा और सत्य, अहिंसा, प्रेम, दान और परोपकार के रास्ते पर चलेगा। यही वो पल था जब सम्राट अशोक ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर लिया। इस कदम को उठाने के बाद कलिंग के लोगों तक ने सम्राट अशोक की बहुत प्रशंसा की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के साथ साथ श्रीलंका, पश्चिमी एशिया, यूनान, मिस्र और अफगानिस्तान में भी किया। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और शांति की स्थापना के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर स्तूप बनाए जो कि आज तक दर्शनीय स्थलों में गिने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र अशोक वाराणसी के बौद्ध स्तूप से लिया गया है। शेरों की त्रिमूर्ति जिसे आप सिक्कों में देख चुके हैं, ये भी वाराणसी से ही ली गई है। दोस्तों, सम्राट अशोक को जब भी याद किया जाता है तब उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातों को याद किया जाता है, लेकिन उनके साथ एक बुराई भी जुड़ी हुई थी। वो ये थी कि मौर्य साम्राज्य के आखिरी योग्य शासक थे वो, और मौर्य साम्राज्य का अंत उन्हीं के काल में शुरू हुआ। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, सम्राट अशोक के बाद की कहानी किसी अन्य सम्राट के साथ नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य के अंत की शुरुआत के साथ शुरू होती है। अशोक के बाद राजा बनने वाले कुणाल अशोक और पद्मावती के बेटे अंधे थे। वो जन्मजात अंधे नहीं थे बल्कि उन्हें उनकी ही सौतेली माँ ने अंधा कर दिया था। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में ईर्ष्या किस हद तक बढ़ चुकी थी। कुणाल ने लगभग 8 सालों तक मगध पर शासन किया। उसके बाद बागडोर आई दशरथ मौर्य के हाथों में। ये सम्राट अशोक के बेटे थे लेकिन कुणाल के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अशोक के द्वारा चलाई गई हर नीति को जारी रखा और इतिहासकार मानते हैं कि दशरथ की यही भूल थी। हर नीति को कुछ सालों के बाद में बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दशरथ ने वैसा का वैसा ही बढ़ा कर उसे गलती कर दी। इसकी गलती का खमियाजा बाद में मौर्य वंश को भुगतना पड़ा। दशरथ मौर्य ने अपना शासन काल लगभग 8 सालों तक चलाया। इसके बाद बागडोर है संप्रति के हाथों में। ये अशोक के अंधे बेटे कुणाल के बेटे थे। उन्होंने भी लगभग 9 सालों तक शासन किया। इनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में खास तौर पर कुछ बताया जाए। संप्रति के बाद आए शशिलुक मौर्य। ये संप्रति के ही पुत्र थे। उन्होंने लगभग 13 सालों तक शासन किया।
शशिलोक मौर्य के बाद देववर्मन मौर्य ने लगभग 7 सालों तक गद्दी संभाली। उसके बाद शतधत्रवा ने लगभग 8 सालों तक गद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अपने बहुत से राज्यों को युद्ध में खो दिया। शतधत्रवा के बाद आए वृहद्रथ मौर्य। वृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इनकी हत्या इनके ही अपने सेनापति के हाथों हुई। सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत करने के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना की, जो कि आगे चलकर चीन तक फैला था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को याद किया जाता है पहले विशाल भारतीय साम्राज्य होने के लिए। यह ऐसा साम्राज्य था जिसकी होने की कल्पना उस वक्त नहीं की जा सकती थी। इसकी समितियों वाली व्यवस्था आज तक अपनाई जा रही है। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के प्रमुख कारण थे सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्र में होना। इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य को पाटलिपुत्र से ही चलाया जाता था और दूर दराज के राज्यों की कोई खबर नहीं ली जाती थी। हर प्रांत के राज्यपाल होते थे जो कि अपना शासन अलग ही चलाते थे और जनता पर जुल्म करते थे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी और बहुत ज्यादा कर लगाए जाने के कारण भी ये हुआ। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारी ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी एक लाइक तो जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।